हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। राम मंदिर पर बोले राज्यपाल राम नाईक, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का होगा सम्मान, करिए इंतजार। गोरखपुर के नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह को शासन ने किया सस्पेंड, डीएम को दिया गया चार्ज। गोरखपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बनेगा अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर, बाबर के नाम से नहीं बनेगा कोई भी इमारत। डिप्टी सीएम ने कहा कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने मेधावियों को पदकों से किया सम्मानित, मेडल मिलते ही मेधावियों के खिले चेहरे, हौसलों के लगे पंख। राज्यपाल ने कहा मेहनत और परिश्रम से मिलती है सफलता, कभी भी ना अपनाए शॉर्टकट। चिलवाता थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा, एएसपी ने कहा प्रेम संबंधों में हुई लेन देन में हुई थी महिला की हत्या। भाजपा आईटी विभाग के क्षेत्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, डिप्टी सीएम ने कहा विपक्षी दलों का राजनीतिक पतन करेगी आईटी विभाग। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा उत्तर प्रदेश के कार्य समिति की बैठक में हुआ जोरदार स्वागत। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ पेंशन अदालत, पेंशन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण करने के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का राज्यपाल राम नाईक ने किया लोकार्पण, कहा विश्वविद्यालय को मिलेगी निर्बाध विद्युत आपूर्ति। एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक, छाया रहा अतिक्रमण का मुद्दा। बकाया मानदेय सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय सुरक्षा गृह संघ ने दूसरे दिन भी दिया धरना, अब तक नहीं मिला कोई आश्वासन। बनारस की लड़कियां बनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता, रंगारंग कार्यक्रम के साथ प्रतियोगिता का हुआ समापन। और जिला क्रिकेट लीग में फ्यूचर स्टार ने बीएल क्लब देवरिया को 42 रनों से हराया।